दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां विगत दिनों खनिज राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा खनिज माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर मशीनों और डंपरों को जब्त किया गया था। इस कार्रवाई में वाहन चालकों और वाहन मालिकों को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस के द्वारा चोरी और खनिज अधिनियम के तहत अब वाहन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि चोराहटा थाना क्षेत्र के अल्ट्राट्रेक के नरेला माइंस में पिछले दिनों दबिश देकर पुलिस ने करीब एक दर्जन डंपर ट्रैक्टर माउंटेन मशीन जब्त की थी, जिसमें चालकों के साथ साथ अब मालिकों को भी खनिज उत्खनन और चोरी का मामला मालिकों पर भी दर्ज किया गया। पकड़े गए ट्रैक्टर हिताची माउंटेन मशीन और डंपर चालकों के साथ साथ वाहन मालिकों को भी आरोपी बनाए जाने की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने डंपर क्रमांक MP17HH2933 के चालक मालिक, डंपर क्रमांक MP17HH2931 के चालक मालिक और डंपर क्रमांक MP17HH2936 के चालक मालिक, डंपर क्रमांक MP17HH2925 के चालक मालिक के साथ साथ महिंद्रा ट्रैक्टर और हिताची मशीनों के मालिक और चालकों को आरोपी बनाया है। बताया जाता है कि डंपर मशीनें और ट्रैक्टर सेमरिया विधायक के पितृपाठी के रिश्तेदार, सेमरिया से पूर्व बसपा प्रत्याशी रहे पंकज सिंह के रिश्तेदार और एक मुस्लिम के हैं, जिनके द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा था। वहीं लंबे समय से शिकायतें मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने खनिज माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है, जिसके चलते क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन पर रोक लगने की संभावना होती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहती है या फिर इसके बाद प्रशासन हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाता है। आपको याद ही होगा कि बीते दिनों क्षेत्र में बिना नंबर के डंपर मशीन और ट्रैक्टरों के द्वारा अवैध खनन किया जाता रहा है, जिसका कारण यह है कि वाहन चालकों को आरोपी तो बनाया जाता था और कुछ समय के बाद जुर्माना भरकर वो बरी हो जाते थे। लेकिन प्रदेश सरकार की मुखिया की कड़ाई के बाद अब प्रशासन अपनी भौहें टेढ़ी कर दिए हैं और माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। वहीं की गई कार्रवाई को लेकर खनिज अधिकारी यत्नेश दीक्षित ने बताया कि ये कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।